अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 3:39। मोबाइल मेरा चार्जिंग पर लगा हुआ है, देखिए। और हमारे घर में क्या हरकत हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। मैडम को लग रही है बहुत तेज़ भूख, सुबह के 3:39, 3:30 उठकर जो है निकल गई हैं वो। बेड खाली पड़ा है, देखिए। अब देखते हैं कहाँ पर है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, क्या कर रही हो? मतलब यूपी बना रही हूँ। टाइम देखा है क्या हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? भूख लग रही है। टाइम क्या हो रहा है? 3:45। हाँ, 4:45 सुबह के। जुगाड़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मसाला खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा मेरे पास फ्रिज में पड़ी रहती है, एक्स्ट्रा में रखती हूँ मैं ये वाली रेड मिर्च तीखी वाली, तो मैं ये डाल रही हूँ। नमाज पढ़ूंगी ना अभी, तो पूरे आज ना रात। मुझे हिचकी क्यों आ रही है, कैमरा हिल रहा है पूरा हिचकी आने में। हाँ हाँ, सच में मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। देखो नहीं तरह होना तुम गाइस, देखो मैं मैगी मतलब मैं यप्पी कैसे बनाती हूँ। ये मैं इसके अंदर ना पानी डाल कर ना ऑयल डालकर अभी मैं तो इसको पोतो कर लो। हाँ, फोड़ लो इसको। नहीं ऐसे ही होता है, इसको ना अच्छे से मैं ना इसको पानी में खूब अच्छे तो से इसमें का टेस्ट आ जाएगा इसका, बहुत मजे का टेस्ट आता है। और तो इसको फोड़ तो लो तभी इसका निकल। अरे फोड़ते नहीं है इसको, ऐसे ही डालते हैं। मैं कूलर तो बंद करूँ, उसकी वॉइस की वजह से पूरी वॉइस भी नहीं जा रही होगी। वॉइस तो पूरी जा रही होगी, लेकिन वो जो मुझे हिचकी आ रही है ना, बुर बुर नहीं, जो मुझे हिचकी आ रही है, बुर बुर हो रहा है। चलो ज्यादा मत बोलो, 3:30 बजे मैं लर्निंग लेसन दे रही हूँ। जो बात कर रहा होता है ना, कैमरा उसके मुंह पे होता है, कैमरा लगा दिया उधर गई, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि तुम बार बार ऊपर सही कर रही हो ना। अपने मेरा पूरा नमाज की तरह मुसल्ला बना हुआ है, मुसल्ला, इसको मुसल्ला ही बोलते हैं। इधर जो है हमारी अम्मी तहज्जुद पढ़ रही है, देखिए। कभी फजर होने में टाइम है, नमाज पढ़ रही हैं वो। बड़ा लंबा सजदा हो गया, पता नहीं कौन सी नमाज पढ़ रही है। देखिए कैसा मस्त वाला अंधेरा हो रहा है आसमान में। देखें देखें, दूसरे के घरों में लाइट जल रही हैं, आसमान पूरा काला भिरंग अंधेरा सन्नाटा। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़, बार्किंग ऑफ डॉग्स इज कमिंग। तो मैं चला गया था बाहर, थोड़ा बाहर का शूट करने, चम्मच डाल लिया। तो इधर से जो है डाल चुकी है मैडम हमारी जो है इसमें अपनी, क्या किया क्या किया किया क्या डाला है, चम्मच तो निकालो गर्म हो जाएगा। देखो चम्मच वाली मैगी बन रही है भैया। अरे निकाल, रुको ना अभी यार, गर्म हो रहा होगा बहुत, संभाल को। संभाल को, तो हिचकी आ रही है मुझे। संभाल को, तुम ये तो कहने नहीं कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ, तुम पानी पी लो। मुझे डालो मसाला पाउडर, अभी रुको ना, कितना तुमको घाई घाई रहती है। हाय हाय, ओहो मुरादाबाद में है के बम भाई। अब इतने इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, इन्फ्लुएंस तो पड़ता है ना गाइस। बम भाई, घाई घाई, आमचे मुंबई। किस किस को मैगी छोड़ने का, मतलब मुझे दुख तो नहीं हुआ है मैगी छोड़ने का, क्योंकि उसे बॉयकॉट करना है हमें, हम भाई इजरायली प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते। यिप्पी में यार वो मजा नहीं आता, और गार्लिक नूडल्स अगर चिंक्स के खाओ तो फिर मजा आता है। अब मैं ना चिंक्स के मंगवा कर रखने वाली हूँ इनसे। ये कौन से वाले हैं? ये तो ये वो वाले हैं, यिप्पी है ये, यिप्पी है ये। सो अभी बस ये भाई लोगों कमेंट्स में बताएं आप कि यिप्पी है क्या है। क्या मतलब, तुम मेरे को हमेशा हेट कमेंट्स क्यों दिलवाने में लगे रहते हो? हेट कमेंट्स तुम्हें पब्लिक प्यार करती है, इतना वैल्यू करती है, ज्यादा नहीं बोलते। इट डजंट मीन कि तुम मुझे हमेशा हेट कमेंट्स, कितनी काली काली लग रही हो ना यार तुम, प्लीज वापस आ जाओ, मैं बता दूं तुम्हें। ये जो बेड़े तूने घूसा मारा है ना, इसका बदला लिया जाएगा। ले लेना, चुन चुन के लिया जाएगा। इधर देखो, इधर कैमरा चालू है, मैं देख रही हूँ।
हेलो गाइस, फिर चालू रहेंगे। ये तो कॉल ही लोग कर रही है, अपने आप को पता नहीं समझते क्या। अब इसमें उतना डालो थोड़ा सा, डालो एक मिनट रुको, अब इसमें मसाला डालो ना। क्या हूँ बता, आज तुमने खाने में तो कम खाया था ना। हाँ, मैंने नगेट्स खाए थे बस। मैं नगेट्स नहीं खाए थे, मैके में खा के आई थी, इसलिए शाम में कम खाओ तो यहाँ पे। अच्छा, याद करो याद। मतलब तुम अपनी कुछ भी कहानी शुरू कर देते हो। कहानी कुछ भी नहीं है, ये इसमें जो है ना, तो थोड़ा पानी डाल दो पहले, फेंको। यार मुझे करने दो ना यार, तुम करने के लिए पानी डालो इसमें थोड़ा सा पहले, पानी कम लग रहा है मुझे। थप्पड़ पड़ेगा खींच के, वैसे हमने खा ही लेंगे। खाओगे तुम और बच्चे रहोगे आए पड़े, और डिस्टर्ब किया ना अभी धक्का मार के बेडरूम में छोड़ाऊंगी। ज्यादा मत बनना, गर्मी लग रही है यार। आप गर्मी लगने, गर्मी एक रही है, गर्मी गर्मी एसी ऑन कर लो। दोबारा करना वैसे ही जैसे किया था अभी, करो ना। नो, गर्मी लग रही है यार, एक्शन रिप्लाई करो इसका। नहीं जैसे हिली भी थी अभी, फेंको फेंक दो। तुम आ जाए, मैं बहुत डिस्टर्ब कर रही हूं, मैं सुकून से बनाती रहूं, ठीक रहता है। जबरदस्ती कैमरा लेके आ गए, मुझे उठाया क्यों? मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। अल्लाह का शुक्र है घर में रखी थी ये। गाइस मैं अकेले करती क्या, वरना भेजती रात को 4 बजे मुझे जाओ ले कर आओ। तुम इसमें रिकॉर्ड है मेरा, तो कभी नहीं जाता मैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सामने, तुम अच्छी नहीं बना रही हो आज। आप चुप रहो, मुझे ना तुम प्लीज लेसन मत दो, थोड़ा सूपी सूपी बनाओ ना। चुप रहो, खानी मुझे तुमको नहीं खानी है, तुम मुझसे क्यों कह रही थी तुम बना कर लाओ। मुझे नींद आ रही थी ना, अभी मेरी नींद सब उड़ गई है, अभी मैं फजर पड़ के अब सोऊंगी। अपना काम तो मैंने कर लिया है, लेकिन भूखी भूखी लग रही थी। भुक्की लग रही थी। अब जरा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बनी नहीं है अभी ये। पता नहीं क्यों तुमने उससे मना कर दिया कि मैगी की तरफ को इसको कैमरा मत दिखाओ। तुमने मना क्यों किया है मुझे? क्या दिखा दो, तुम्हें तो मना कर रही हो, खींचम तानी कर रही हो। जितनी दिखा सकते हो तुम, मेरी अलग ही कलर की बनी है, देखिए गाइस कितने मजे। हां पता नहीं कौन कौन से मसाले डाले हैं तुमने। अच्छा तुमने वो डाले सब्जी मसाला। मैंने नहीं, हां और मैंने ना ये भी डाला ना, इसका फ्लेवर देखिए कैसा आता है। गाइस मैं रिव्यू दूंगी आपको, ठीक है, कि मेरी ये भी बनी कैसी है। ये वाली मिर्ची डाल दूं क्या? दो थंबनेल निकाल ले दो मुझे। थंबनेल नजदीक से नहीं निकलता है, मैं तुमको क्यों कुछ नहीं आता? सिनेमैटिक्स सिनेमैटिक्स नहीं होते हैं। ओके अहमद, इतने नजदीक से कैमरा फट जाएगा। ये फट गया कोई, इससे पहले कैमरा फट गया कोई कूकर है ये तो फटेगा नहीं। मेरा मुंह से ना तुम कुछ सुन लोगे अभी उल्टा सीधा। 3 बजे जो है ना शोर ज्यादा कम मजा, 3 नहीं 4 बजे मोहल्ले को उठा जो रही हो। खुद तो की आवाज सुनाई, सुना दो दी बाहर से आ रही। मतलब ये हमारा वैसे ऑल्टरनेटिव डेज का है ना, ऐसे रोज का नहीं है ना ये चीज। है क्या चीज ये? ऐसे रात को भूख लगना है नॉन बात ना पकड़े आप मेरी। प्लीज पकड़ो और कमेंट में बोलो कि अहमद भाई ने गलत बोला। तो खुद को क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं बनियान में खड़ा हूँ। अबे यार कितने तुम सच में, तुमने तो उठते ही मुसल्ला मान लिया अपने। तो मैं काम जो अपना सर ढक कर ही करती हूँ। अच्छा yes. चलो भाई गाइस, इस चीज की सच्चाई भी आपको किसी दिन में दिखाई जाएगी। डोंट वरी, ये कैमरा उठते ही जो है पहले तुम कैसे यार ऑन स्क्रीन मेरी तुम सच्चाई बता देते हो। सच्चाई है और क्या, मैं मोटिवेट करती हूँ लोगों को really? अपने हिजाब से, और तुम मेरे को ऐसे कर रहे हो। जो होता है ना साला, देखो ये सब चीजें जो होती है ना हस्बैंड के लोग के सामने नहीं होती है। तो हस्बैंड मतलब अलग हो, दुनिया अलग हो गई ना। इट डजंट मीन आप लोग जो है हस्बैंड के सामने भी मुसल्ला बांध के घूमोगे। मुसल्ला, इसको मुसल्ला नहीं कहते, दुपट्टा कहते हैं इसको। नमाज का दुपट्टा बोलते हैं इसको, हिजाब बोलते हैं। प्लीज ये हिजाब डोंट मेस विद मी ओ भाई, वरना मैं तुम्हारे साथ थंबनेल रात के 3 बजे बनाई हमने मैगी। सॉरी बार बार सच्चाई मुंह पे क्यों आ रही है? तुम पागल हो, चांटा पड़ेगा ना तुमको, ठीक हो जाओगे। नहीं वैसे भाई लोग देखो, मैं आपको अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं आपको सच सच बता दूं, ये ना मैगी है ना इप्पी है, लोकल वाली आजकल बहुत चल रही है। क्या मैगी की तरह ही येलो कलर की पैकिंग में, रेमन की है ना शायद ये। हाँ। रेमन वाली है ये, मैं आपको सच सच बता दूं अब, इसलिए
मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है ना मुझसे बोला जा रहा था, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया। और गाइस मैं ना रात का टाइम है, मैं बर्तन खराब नहीं कर सकती। इसमें खाओगी तुम? मैं सच बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है मैं तुम पर। इसमें खाओगी? हाँ, मैं इतने बर्तन रात के 3 बजे नहीं धो सकती, 4:30 बजे 4:30 बजे 3:30 बजे इसमें खाओगी तुम? अहमद इतने गंदे ब्लॉगर है ना, इनको बिल्कुल ब्लॉगिंग करनी नहीं आती दोस्तों। मैं सच में इनको सिखा के थक चुकी हूँ, लेकिन अब मैं हाथ छोड़ दिया। हाँ बस ठीक है, मतलब बाद में करूंगी। कुकिंग दिखाने को बोलूंगी। अरे मेरा ये रहता है मेरा क्या रहता है, बातें करते रहो, कुछ भी दिखा दो। अच्छा ऑडियंस तो पागल है, तुम मुझे आंखों आंखों से इशारा कर दिया करो ना। बहुत देर हो गए चालू किए हुए तो। चले गाइस आइए खा लीजिए हमारा रात का मील, चलते हैं बेडरूम में। रात का नहीं, फजर का ही है। ठीक है, आफ्टर तहज्जुद फजर से पहले हम पढ़ेंगे अपनी नमाज फजर की, और हम पढ़कर फिर सोएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलो खा लेते हैं। आ गए चलो रूम में, चलो रिव्यू दो जल्दी से। रिव्यू भी चाहिए? फिर खाओ ना, ये तुम इसमें खा तो रही हो, ये किसी फंक्शन में बारिश ना हो जाए हमारे यहाँ पर, ये बड़े बूढ़ों की कहावतें हैं। खैर शादी हो चुकी है तो कोई और फंक्शन में भी हो सकती है। और क्या, किसी भी फंक्शन में हो सकती है बारिश। जो खा जो रही हूँ इसमें देख ची हूँ मैं, पैंट्स में 4 बजे और मेरी फेवरेट नूडल्स। बहुत मजे की बनी है गाइस, मैं खा लूँ? प्लीज तंग मत करो ना। क्यों, बिल्कुल नहीं, एक दो निवाले और खाओ ना जल्दी जल्दी, गरम गरम बनाई जो है, सूखी सूप ही बनती है। कौन दे रही है? मेरे लिए बनी है वो। तुमको कौन दे रही है? तुमको कौन दे रहा है? किसी दिन जो है ना मैं बनाऊंगा, मैं खिलाऊंगा तुम्हें सूपी मैगी। बोल रहे हैं बड़ा बड़ा खिलाऊंगा, खिलाते हैं। क्या कह रही हो? तुमने फिर चालू कर दिया। यस आज नींद क्यों, मुझे खिलाओ चम्मच। क्यों मैं क्यों ना? अरे अच्छा, तुम्हारा हलक से उतर जाएगा विदाउट मुझे खिलाए। हाँ, चलो चलो गाइस, देखते हैं ये चीज़ भी हम कब तक बर्दाश्त होती है, तब तक रुका जाता है। देखेंगे कैमरा ऑन है। कैमरा स्टार्ट करके तुम अपने आप को ज़्यादा दी बेस्ट ब्लॉगर बन रहे हो ना। ज़्यादा बोलते नहीं है, समझी क्या? बहुत तुम दी बेस्ट ब्लॉगर बन रहे हो ना। यस दी बेस्ट, मतलब मैं किचन में नहीं हूँ, पीछे से कैमरा लेके आ गए। खा लो, ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी पसंद है? ठंडी मुझे खिलाओगी, मुझे पता है। तुमको कौन दे? सारा पसीना आ गया तुम्हें तो, मतलब पसीना आ गया भैया। पहले बोला गिप्पी, फिर बोला रेमन, फिर बोला गार्लिक। रियलिटी मैंने बता चुका हूँ मैं ऑडियंस को, अपने दोस्तों को। तुम तो छुपा रही थी ना कि मैं ब्रांड बताऊंगी कोई। ये भी ब्रांड ही है, गुजरात का ब्रांड है ये, वो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ इप्पी तो मुझे पसंद है ना, बिल्कुल मीठी मीठी लगती है, तो मैं सच बताऊँ तो मैं समझी। हाँ तुम बोलते हो इप्पी ले आया करो, मैगी हम नहीं खा सकते, वो हमें पता है, क्योंकि उसका बॉयकॉट है भाई, और वो ज़रूरी है बहुत फ़लस्तीन के मुस्लिमों के लिए। हम इसराइल से हम यहाँ बैठ के लड़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट फ़लस्तीन के मुस्लिम्स के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं, और इस तरीके से हम जो है थोड़ा सा इसराइल को फाइनेंशियली जो है वीक कर सकते हैं हम। एक एक बूंद बूंद से सागर बनता है, एक आदमी जो है कोशिश करेगा, एक एक से ही सब चीज़ें होती हैं, समझी मेरी बात। तो मोस्टली जो है बायकॉट ही करना है हर चीज़ का। अभी भी लोग ये नहीं सोचें कि पुराना हो गया, हम अपने मुंह को टेस्ट को कैसे करें, उसको अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बहुत आ चुके हैं मार्केट में, आप लोग वो खा सकते हैं। कहना मकसद मेरा ये है, समझो कि नहीं समझो? समझो नहीं, बंद कर दो मुझे खिलाओ पहले। देखो भाई लोगों कितना खा चुकी है मोटी, सब खा लिया मोटी ने। कैसी लगी? खिला दी ना, खिला दी ठंडी। कैसी लगी? मुंह बता रहा है। कैसी लगी? अच्छी है। अच्छी है, सूपी बनाओ ऐसे करो। सूपी की बात अलग होती है, सूपी की बात अलग होती है। नहीं बताओ बनी कैसी? हां भाई तारीफ तो करनी। गाइस आप देख सकते हो, ये देखो इनका मजा देखो। अब क्यों खाई जा रही है मेरी सूखी वाली नूडल्स? तुमको तो सूप ही चाहिए ना, ये सूखी नूडल्स क्यों खाई जा रही है? देखो अबे सारा मेरा मसाला।
छोड़ो ये वाला बाइट, ये वाला छोड़ो, ये भी मसाले वाला बाइट है, सिंपल वाला लो। आए बड़े लगने लगी वहाँ, तो तुम खा रहे हो, मेरे को छोड़ो ही मत तुम, है ना। ये देखो ये देखो बनाई है, जितनी लाए थे सब बना ली ना, चार पांच पैकेट्स बनाए यार मैंने, अब छोड़ो मेरी मैगी। ओके गाइस, सो अभी आ गई है ग्रॉसरी, और ये रही जी ग्रॉसरी जिसको अभी करना है मुझे असेंबल, और नेक्स्ट डे हो गया है, मेरा ब्रश भी ख़राब हो गया था तो ब्रश लेके आए हैं। बाकी ये सारे सामान मसाले वगैरह मंगवाए हैं मैंने, छोले वगैरह रखे थे तो मसाले मसाले, और भैया अदरक लहसुन तो सोने के भाव का हो गया है। सहमत देखिए पैकेट्स ले आए हैं गोल्डी जिंजर गार्लिक के, क्योंकि मुझे गोल्डी ही ब्रांड पसंद है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमने खुद से खरीदी हैं चीज़ें। लेकिन हाँ लोग सोचते हैं ना कि एकदम क्या क्या पता कोलैबोरेशन में हमें इसका इसीलिए वो दे रहे हैं। तो गाइज़ ये सब सामान आया हुआ है, ये तो फिलहाल ये मेरे ये भी फेवरेट है, इसके बिना भी मेरा गुजारा नहीं है, और इसके बिना तो बिल्कुल ही नहीं होता है। एंड बाकी ये मसाले आ गए, ये राइस हो गए, ये भी सब सामान है, ऑयल वगैरह एंड ऑल, और ये सब सब्ज़ी वगैरह है। तो बस यहाँ ग्रॉसरी जो है आ चुकी है, इसको करते हैं असेंबल, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब।